Hey, welcome back, boys and girls to Pokemon Scarlet. Guys, आज के दिन हमारा आखिरी दिन होने वाला है Pokemon Scarlet and Violet में. Considering the episode side of things, अगर कुछ DLC आई तो of course हम लोग वापस आएंगे, पर आज ये गेम पूरी तरह से खत्म होने वाला है, including the Pokédex, including the legendaries and all. तो इस एपिसोड में हम लोग भाई एक लेजेंडरी पकड़ेंगे और थोड़ी सी क्लासेस करेंगे. तो बस दो ही लेजेंडरीज बचे हैं, तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला. एंड एज यू कैन सी, मैंने 398 पोकन बैटल भी कर लिया एंड कैश भी कर लिया. मैंने ट्रेड कर लिया था विद FFG एंड मैंने सारी के सारे जितने भी मुझे पोकन चाहिए थे, इंक्लूडिंग द एक्सक्लूसिव्स, ये स्टार्टर, एवरीथिंग वी हैव गॉट. तो यहाँ पे 395 और 396 जो है वो लेजेंडरीज हैं, जैसे चिनपाओ और वो चीन है, वैसे ही दो श्राइन लेजेंडरीज बचे हैं. बाकी उन्होंने मुझे काफ़ी सारे भाई एक्सक्लूसिव दिए जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, लाइक इनमें से मेरे को एक दो अच्छे लगे. और उन्होंने मुझे मिराइडॉन भी दिया जो कि मैंने वापस कर दिया. ऑफकोर्स मिराइडॉन तो उनके पास ही रहना चाहिए, पर भाई काफ़ी सही लगता है भाई मिराइडॉन, मेरे को अच्छा लगता है भाई उसका डिज़ाइन. बट आई विल शो यू सम ऑफ दी वर्जन एक्सक्लूसिव पोकेमॉन जो कि उनको एरिया जीरो में मिलते हैं, जो कि हमें नहीं मिल सकते हैं. दे लुक प्रीटी डैम डोप मैन. कहाँ पर पड़े हैं, मेरे को ज़रा बस वो मिल जाए. यार ग्रेट टस्क जो है, मतलब डॉन फैन का जो वर्जन है वो तो है, मुझे अपने में ही अच्छा लगा एक्चुअली, वो मेरे वाले में ही ज़्यादा अच्छा है. हाँ, एक तो भाई ये है आयन थ्रेड्स. स्केलीडर्ज भी वैसे हम लोगों ने रखा हुआ है भी टीम में, इसको मैं अंदर रख लेता हूँ, ये तो हम लोगों ने भाई पक्के से देखा ही हुआ है. और क्या है भाई, और क्या है, एक हाइड्रीगन का भी मुझे याद है वर्जन है, वो भी भाई काफ़ी अच्छा लगता है. एक तो ये है आयरन वेलियंट, दिस इज ऑल्सो प्रिटी डैम गुड. या दे वी गो, ये है सारे के सारे जो भी हमें मिले हैं उनसे. ओके, सो एक एक करके भाई सारे के सारे इंस्पेक्ट करते हैं ज़रा कैसे हैं ये पोकेमॉन. सबसे पहले है, हाँ ये आई थिंक आयरन हैंड्स या ऐसे कुछ नाम है इसका, पर ये है हरियामा. ये ऐसे क्यों चल रहा है, व्हाट, मुझे लगा काफ़ी स्लो होगा, पर ये तो भाई होवर ओवर करके आ रहा है भाई, व्हाट द हेल. ओके श्योर मैन, पर ये ठीक है. मतलब इसका मैंने काफ़ी बार, मतलब इसको रेड्स में आते हुए देखा है, इसको मैंने क्या बोलते हैं शाइनी वर्जन भी इसका मैंने देखा है, एंड ऑनेस्टली लाइक मुझे मीडियोकर सा लगा ये. मतलब ठीक है, मतलब इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक ठाक से ही है. ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई आयरन ज्यूगिलिस, ये हाइड्रीकन का फ्यूचरिस्टिक वर्जन है एंड दिस एक्चुअली लुक्स प्रीटी गुड. ऐसा LED बल्ब, इसका LED लाइट्स टाइप का लगता है भाई, ये काफ़ी मस्त टेबल लैम्प. इसके बाद भाई हमें मिला है आयरन थ्रेड्स. यार ये तो ऑनेस्टली मेरे को अपना डॉन फैन ही अच्छा लगा ज़्यादा. ओ माई गॉड, दिस इज स्मॉल, वॉट डूड, दिस इज़ वेरी स्मॉल मैन. लाइक मेरे वर्जन में जो है क्या नाम है उसका, ग्रेट टस्क, वो भाई बहुत बड़ा है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है वो. ये इतना छोटा कैसे हो सकता है भाई, ये देखो कितना छोटा सा है भाई, ये तो मेरे से भी छोटा है. पर यार इसका वो एनिमेशन मेरे को बहुत सही लगा यार, इसका एनिमेशन बहुत सही लगा रनिंग वाला. ये पूरा ऐसे, ये मेरे को कैनन बोल्ट की याद दिलाता ही है, पोकेमॉन नहीं क्या, बेंटन में से, बेंटन में जो कैनन बोल्ट करके था ना एक एलियन, भाई वो वैसा लग रहा है एकदम. ओके ओके, जस्ट फॉर द एनिमेशन आई थिंक इट इज वर्थ इट मैन, एनिमेशन के लिए वर्थ इट है बस. आयरन थॉर्न्स इसमें कुछ भी अलग नहीं है, लाइक दिस इज जस्ट नॉर्मल ओल्ड अपना टायरानिटार, बस उसको फ्यूचरिस्टिक बना दिए बस, और लिटरली कुछ भी नहीं है इसके अंदर. उसके बाद है आयरन मॉथ, आयरन मॉथ भी मुझे काफ़ी सही लगा एक्चुअली, पर मेरे वर्जन में जो एक्चुअली वोल्कर होना है ना वो भी अच्छा है, मैंने उसको देखा नहीं है इवॉल्व करके, पर आई थिंक अच्छा ही होगा वो. एक सेकेंड रुक जा भैया, देखने तो दे भैया, क्या कर रहा है तू. आई थिंक मैंने इसी को टेरारेट बैटल में देखा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही था. ठीक है, ये भी मतलब मीडियोकर सही है, पर ये यार आयरन वेलियंट बहुत क्रेजी लगता है. लाइक टेक अ लुक एट दिस, दिस लुक सो फ्रीकिंग डोप मैन, डैम यार. इसका जो उन्होंने मतलब हाथ पे वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, ब्लेड टाइप का दे रखा है, क्या सही लगता है यार, मज़ा आ गया देख के. बट या दोज आर सम ऑफ द एरिया जीरो एक्सक्लूसिव दैट वी गॉट फ्रॉम FFG. बाकी आई थिंक वी कैन हेड ऑन टू आर मिशन नाउ. तो हमें भाई आज खोलना है, दो श्राइन हमारी बची हुई है केवल, तो एक तो हमारी यहाँ की बची है ग्राउंड ब्लाइट वाली, इसमें मैं देख लेता हूँ एक्चुअली कितने बचे हुए हैं स्टेक्स. वैसे तो आई थिंक बहुत सारे कर लिए मैंने, बचा हुआ तो एक या दो ही बचे होंगे. हाँ एक ही चेन बची हुई है, तो या तो एक बचा या दो बचे हैं, पर या वी डेफिनेटली फाइंड वन टुडे, तो इसको हम लोग आज ख़त्म कर देते हैं. सबसे ज़्यादा यार आई थिंक इसी में बचे हुए हैं जो राइट साइड में हैं, इसके यार आई थिंक मैंने काफ़ी कम ढूंढे हैं, इसमें तीन चेन बची होंगी शायद, मेरे सीरिया में एक्चुअली ज़्यादा घूमा भी नहीं हो ना. हाँ यार इसकी तीन चेन बची हुई हैं यार, ये तो मैंने बिल्कुल किया ही नहीं है, तो इसकी मेरे को थोड़ी चेन ढूंढनी पड़ेंगी. पर फिलहाल हम लोग आज
कर लेंगे ये ऊपर वाला। इसमें फाइव टाइप पोकन मिलेगा हमें, और इसमें ओ यहाँ पे सिक्स स्टार रेड आई हुई है आज, और इस वाले में हमें मिलेगा ग्राउंड टाइप। ठीक है चलो वो हम लोग कर लेंगे, पर तब तक मैं ज़रा जा रहा हूँ आज नारंचा अकेडमी में, और यार मुझे आज थोड़ी क्लासेस भी ख़त्म करनी है, तो हम लोग एक क्लास करेंगे उसका थोड़ा स्टेक जोड़ने का ट्राई करेंगे, और फिर से भाई एक और क्लास कर लेंगे करनी होगी तो। आई थिंक चार क्लासेस बची हैं वैसे तो, हमें भाई आज अगर गेम ख़त्म करना है तो हमें दो दो क्लासेस करनी पड़ेंगी। अरे एक सेकेंड, मैंने इसको तो अपना वो दिखाई ही नहीं अभी, जो मैंने विनचो या जो भी नाम है उसका, वो तो मैंने इसको दिखाई नहीं अभी तक, तो ज़रा वो भी दिखा देते हैं। यू कॉन्ट वॉच इन द टैबलेट ऑफ रूइन। आई डिड, ओह हाउ इंटरेस्टिंग, आई सिंपली कैनॉट कीप माई क्यूरियोसिटी अंडर कंट्रोल। आई हैव नेवर सीन सो मैनी वुडन राइटिंग टैबलेट्स स्ट्रंग टुगेदर। अच्छा टैबलेट्स से क्या उसके ऊपर, मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा बार कैंट्री की। आई कैंट रीड इट बट गिवन द लेंथ इट मस्ट बी अ स्टोरी, येस और परहैप्स द वर्ड्स ऑफ अ कर्स, इफ ओनली द वर्ड्स वर्न्ट फेडेड, हाउ फ्रस्ट्रेटिंग। यार ये तो हमें हमसे काम कराई जा रही है, कुछ रिवॉर्ड ही नहीं दे रही यार। आई मीन आई गेस कैचिंग द लेजेंडरी इज अ रिवॉर्ड, बट फिर भी यार आई नीड अ फ्रीकिंग रिवॉर्ड मैन। चलो हमारी बची है भाई चार क्लासेस, येस आई न्यू इट मैन, चार क्लासेस ही बची होंगी। हम लोग आज करने वाले हैं, मतलब इस एपिसोड में करने वाले हैं आर्ट क्लास, और सोच रहा हूँ बैटल स्टडीज क्लास भी कर लूँ क्या, या फिर चलो वो यार बाद में कर लूँगा मैं। आई थिंक आर्ट और लैंग्वेजेस करने वाला हूँ आज मैं। सो या वील स्टार्ट विद आर्ट क्लास, देखूँ जरा आर्ट क्लास में क्या है। और ये ऊपर से जो इलीट फोर मेंबर है वो लेता है भाई आर्ट क्लास, तो इट्स गोना बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। ओके लेट्स सी, भाई पीछे तो बहुत ही गंदी पेंटिंग बना रखी है जिसने बनाई है, डॉन फैन की बल्कि फैन पी की, फिर भी ठीक लग रही है भाई मेरे को। और डिटो भाई, डिटो ऐसे ही दिखता है तो क्या करें हम, पर हाँ कैकनिया की भी अच्छी है वैसे। ग्रीटिंग्स, आई एम हैसल, आई विल बी टीचिंग दिस आर्ट क्लास, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू ऑल। ठीक है ठीक है, ज़्यादा करने का नहीं ब्रो, हमें बस ये बताऊँ कि क्या सिखाने वाले हो आप। सो इज माई क्लास अ वेस्ट ऑफ टाइम देन, आई सर्टनली होप इट्स नॉट। ओके थिंक फॉर अ मोमेंट ऑल ऑफ यू, वॉट इज ब्यूटी एनी वे, वॉट मेक्स समथिंग ब्यूटिफुल, द आई ऑफ द बिहोल्डर आई गेस, राइट, इंटरेस्टिंग, थैंक यू रिक्स। Oh, I don't mean to suggest there is a correct answer to my query. The important thing is that you take all the time to think about it. I mean, true. I think like beauty lies in the eye of a beholder. सही चीज बोलते हैं लोग, क्योंकि अब मुझे कोई बेकार सी दिखने वाली चीज़ भी अच्छी लग सकती है, क्योंकि मेरे को उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है, और किसी को बहुत सुंदर दिखने वाली चीज़ भी बेकार लग सकती है, तो it depends on the person, I guess. Oh wow, okay, that was the first class. इन्होंने भाई philosophy झाड़ी है बस, और कुछ नहीं किया इन्होंने। ये दिस इज लाइक वन ऑफ माई एपिसोड्स, मैं बस बकवास करते रहता हूँ और ख़त्म हो जाता है एपिसोड, पता ही नहीं चलता। वैसे ही कुछ हुआ है भाई अभी मेरे साथ, ये रिवर्स ऊनो कार्ड प्ले नहीं करना था भाई मेरे पे, ये गलत कर दिया तुमने। चलो आई थिंक क्लास नंबर टू में कुछ तो प्रोडक्टिव होने वाला है, लेट्स होप सो। ओ कोई तो स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं भाई, कौन है, ए गिबल हेलो बॉय, कैसन बा ब्रो, इसको हमें ड्रॉ करना है क्या, डोंट टेल मी इसको हमें ड्रॉ करना है भाई। ओ इसको टेरेस्टराइज कर रहा है ये, डैम क्लास के अंदर करंट ठीक रहेगा वैसे, अरे बाप रे ग्रास टाइप में हो गया क्या, हाँ ओके। ये लोग टेरेसलाइजेशन के बारे में थोड़ा समझा रहे हैं कि ये जो टेरा जूल है इससे इंडिकेट होता है कि कौन से टाइप में बदला है, पर इसमें आर्ट कहाँ से आई ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब आई गेस इट इज़ काइंड आर्टिस्टिक बट आई डोंट गेट इट मैन, मुझे लगा कुछ और इंटरेस्टिंग होगा, ये इन्होंने फालतू में डाल दी भाई क्लास, इतने भी लेक्चर भरने की ज़रूरत नहीं थी भाई। सबसे बेस्ट भाई मैथ क्लास और हिस्ट्री क्लास थी, ओ शिट मैंने गलती से लैंग्वेजेस क्लास कर दी, चलो ठीक है वैसे भी हमें लैंग्वेजेस क्लास करनी थी। लेट्स हैव अ चेंज ऑफ पेस एंड सी लैंग्वेजेस में क्या है, इसमें फिर भी थोड़ा चलो मटेरियल होगा आई थिंक, आर्ट जैसा तो नहीं होगा, आर्ट बहुत ही मतलब क्रिएटिव चीज़ है ना, तो उसमें सही आंसर नहीं मिलेगा तुम्हें कभी भी, बट ओके। माई डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल, ई कौन है भैया, जैम्पले स्लो, मैं बोलने का ट्राई भी नहीं करने वाला, मैं ट्राई भी नहीं कर रहा भाई बोलने का। ग्रासियास मर्सी आरिगातो, आरिगातो का मतलब होता है मुझे थैंक यू होता है, तो आई गेस बाकी सबका मतलब भी थैंक यू होता होगा। बेसिकली पूछ रहा था कि ये सारी जो अलग अलग ग्रीटिंग्स हैं इन सब का एक ही मतलब है क्या है, तो वो थैंक यू था, मुझे एक ही का पता था क्या मतलब होता है, ग्रासियास भी वैसे पता ही था मेरे को। वैसे मैं आजकल भाई डुओलिंगो यूज़ कर रहा हूँ सीखने के लिए, और भाई काफ़ी हेल्प कर रहा है यार, मैंने मतलब N5 कर रखी है मैंने, तो मेरे को N5 का तो आता ही है, पर N4 में यार मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डुओलिंगो यूज़ करें,
ये ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं बस बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर तुम्हें एक्चुअली जापनी सीखनी है ना, तो यार डुओलिंगो स्टार्टिंग से करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, पहले बता दूँ मैं। उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हें लेटर्स कैसे लिखते हैं और मतलब वो कोर कॉन्सेप्ट में नहीं जाते वो लोग। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा जिसको भी जापनी सीखनी है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। वैसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कैसे सीखना है कैसे सीखना है, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जिससे तुम घर पर बैठ के बिना क्लासेस के सीख सकते हो, मतलब बिना पैसे दिए क्लासेस में। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सीरियस बात करता हूँ। तुम्हें सबसे पहले अगर सीरियसली सीखना है तो क्या करो, हीरागाना कातागाना सीखो पहले। तीन स्क्रिप्ट होती है जापानीज में, हीरागाना कातागाना कांजी। तुम बस दो पे ध्यान दो, हीरागाना और कातागाना। तुम डालो यूट्यूब पे हीरागाना कैरेक्टर्स, बस इतना डालो, पहली वीडियो आएगी उसको देखो तुम। उसमें तुम्हें एग्जाम्पल्स के साथ हीरागाना लिखना सिखाएंगे। हीरागाना इज बेसिकली एबीसीडी ऑफ जापानीज मैन, तो वो सीखो पहले। और उसके बाद तुम डुओलिंगो पे जाओगे ना तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। पहले ये कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें और चीज़ें बताता रहूँगा भाई कैसे कैसे करना है। पर यार मैंने पहले नहीं किया था ये, मुझे आई थिंक करना चाहिए था N5 देने के पहले। मेरे N5 में अच्छा आए थे नंबर, ऐसा नहीं है कि बुरे आए थे, पर अगर मैं ये करता ना तो आई थिंक और अच्छा होता, तो आई थिंक मेरे 140 के आसपास भी आ जाते, मेरे इतने आ नहीं पाए थे। किसी को वैसे नहीं पता होगा अगर N5 क्या होता है, तो जब भी तुम जापनी सीखने चाहते हो ना तो 5 लेवल्स होती हैं सीखने की। N1 सबसे ऊपर वाली होती है, जो कि कई सारे जापनीज लोगों के पास भी नहीं होती है, इतना जापनीज तो उनको भी नहीं आती, वो शुद्ध जापनीज होती है वो। और सबसे नीचे होती है N5, जहाँ पर तुम ग्रीटिंग्स करना सीखते हो, तो वो मुझे आती है। और N4 उसके थोड़ी ऊपर वाली होती है। तो ऐसे तो N5 सीख लो भाई तुम पहले, काफ़ी अच्छा रहेगा। एनिमे देखने में एक्चुअली काफ़ी सही रहता है N5 से। मैं आधी चीज़ें तो समझ जाता हूँ, टाइटल्स मेरे को सब टाइटल्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कई बार। ओके, लोग गिबल को फिर से भाई टेरेसलाइज कर रहे हैं, आई थिंक यार यही होने वाला है यार, क्या ही होगा 8 क्लास में। और क्लास एकदम मतलब सेकेंडों में ख़त्म हो रही है ब्रो, कुछ और है नहीं इसमें। ओके, इस बार हो गया आइस टाइप में ये। अब मुझे पूछेगा भाई किसमें हुआ ये, और तो कुछ क्या ही करेंगे ये लोग, क्लास में कुछ करने को है नहीं, आइस टाइप में हुआ है भाई ये। ये लो, एक्सीलेंट, फुल मार्क्स, थैंक यू ब्रो। ओके, इसने अभी जस्ट वैसे मेंशन किया कि हम लोग टेरा टाइप बदल सकते हैं ट्रेजरी ट्री मेडाली में, तो तुम लोग सही बता रहे भाई, पता नहीं तुम लोग कैसे पता चल जाता है यार इतनी जल्दी ये सब। यार क्या तुम स्पॉयलर्स लेते हो क्या बे? तुम लोग मुझे लिटरली फर्स्ट डे से बता रहे हो कि तुम ऐसे टेरा टाइप चेंज कर सकते हो। हाउ डू यू नो दिस स्टफ मैन? ओके, आई थिंक मिड टर्म का टाइम आ चुका है। यस, 8 का मिड टर्म हो गया है। मुझे नहीं पता भाई क्या पूछने वाले हैं लोग, मतलब उन्होंने सीरियसली हमें कुछ नहीं पढ़ाया है सिवाय इस चीज़ के कि गेबल मेरा देखो ये इस टाइप में बदल रहा है। वो बस फ्लेक्स करने आते थे अपना गेबल, और कुछ नहीं करते थे क्लास में, तो पता नहीं अब क्या ही एग्जाम होना है। एंड बिगिन, चलो। व्हाट इज द नेम ऑफ द जेम स्टोन दैट ग्लोज ओवर अ पोकेमॉन्स हेड व्हेन इट टेरेसलाइजेस? टेराजूल। सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन द आंसर टू क्वेश्चन 1 इज इन द शेप ऑफ फ्लावर, व्हाट टाइप डज इट रिप्रेजेंट? फ्लावर के शेप में है तो ग्रास। What shapes are most snowflakes classified as? Hexagon. Where is the E-tree that allows you to change terra type? यार ये सब क्वेश्चन नहीं आया, मज़ा नहीं आया इस क्लास में, बेकार क्लास ही है। What makes something beautiful? There is no correct answer लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि लिटरली सबका आंसर अलग अलग हुआ, पर ये बेकार क्लास है भाई। आई मीन सी, अ लॉट कैन बी डन विद दिस क्लास। ऐसा नहीं है कि 8 क्लास में तो कुछ नहीं कर सकते, पर इन्होंने ट्राई नहीं किया आई थिंक। ओके, ये लोग भाई इसको क्यों लेके आ गए यहाँ पे आज, ये गेस्ट के तौर पे आए भाई, ग्रास टाइप जिम लीडर। पप्लू बंदों को ले आओ तुम बस। आई एम ब्रासियस, आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन ग्रास टाइप पोकन फॉर माई वर्क। सही बात है, वैसे आर्टिस्ट आई थिंक इसलिए ज़्यादा बुलाया है इसको। ओके, कुछ तो सरेंड्रिंग्स एंड फ्लोरा की बात ये लोग कर रहे हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट माई मूड वॉज व्हेन आई क्राफ्टेड इट्स डिटैच्ड एक्सप्रेशन? तेरा तो यार मूड ऐसे ही रहता है जैसे अभी है, पर आई एम गेसिंग हैप्पी मूड था, नहीं सैड मूड, कंप्लीटली एंड अटरली रॉन्ग। सॉरी भाई, माफ कर दे। अरे, आई रिजॉल्व टू गिव अप माई लाइफ एज एन आर्टिस्ट इफ दैट पीस डिज नॉट रिसीव प्रॉपर रिकॉग्निशन। बाप रे, अच्छा इसलिए इसने नाम सरेंडरिंग सनफ्लोरा रखा है। ओके, आई मीन लाइक क्रिएटिव बिजनेस ऐसे ही होता है ब्रो। हमारी भी भाई इतनी गंदी वाली फट रखी है ना अभी, मेरे को लग रहा है कि यार ये गेम अच्छा नहीं करेगा अगर तो क्या होगा। लाइक हम लोग जिस गेम पे अभी काम कर रहे हैं उसमें हम लोग पूरी जान लगा रहे हैं, पर लाइक विल इट परफॉर्म इज द प्रॉब्लम। आई होप मेरे जो दोस्त हैं जो तुम लोगों, उनको पसंद आए कम से कम गेम। तुम लोग के लिए एक फ्री डेमो मैं डालने वाला हूँ, वैसे हमने सबको सोच रखा है, हम लोग एक फ्री डेमो बनाएंगे
यार गेम तो पूरा फ्री में हम लोग नहीं दे पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, अभी जो प्लान्स हैं उसके हिसाब से, बट डेफिनेटली लाइक हम लोग कीज तो ज़रूर देंगे यार, मैं की गिव अवे तो करूँगा गेम का, एंड आई होप तुम लोग को पसंद आया यार गेम। पर चलो इनकी कहानी पे वापस आते हैं, अपने दुखारे सुनाने लग जाता हूँ भाई मैं। माई एडवाइस टू यू सिंपल, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर योर हार्ट डिजायर्स सो लॉन्ग एज यू डोंट कॉज ट्रबल दैट इज। अरे रोने क्यों लग गया ये? अरे भाई थैंक यू सो मच ब्ला 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 ब्ला। ओके अब ये लोग कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं ना, ये लोग बात कर रहे हैं वो तो 10 साइट्स ऑफ पैल्डिया, जिसमें से मैंने एक दो तो देखी हैं पर मैंने ज़्यादातर आई थिंक नहीं देखी हैं। अमंग देम आई वुड से ग्रैंड ऑलिव ऑर्चर्ड इज लाइकली द मोस्ट एक्सेसिबल। ग्रैंड ऑलिव ऑर्चर्ड ओके, कोटोंडो में है। एक सेकेंड, क्या मैंने देखा है कि नहीं देखा है? देखा तो होगा यार। टू वाटरफॉल्स आर ऑल्सो काउंटेड अमंग दीज 10 साइट्स, फ्योरी फॉल्स एंड केसेरोया फॉल्स। इसमें से मैंने एक तो देखी है जहाँ पे ड्रैगनाइट मिलता है, एंड ग्लेसिडो माउंटेन में पैल्डियाज हाईएस्ट पीक है, वो भी एक है अट्रैक्शन। मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ इस क्लास में, मैं बहुत जोन आउट हो रहा हूँ भाई, मेरे गंदे मार्क्स आने वाले फाइनल एग्जाम में। ओके क्लास नंबर 7 है और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं रिबन्स और मार्क्स की, और मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं बैठा हूँ चुपचाप से और मैं बस यही सोच रहा हूँ कि सर मेरे से सवाल ना पूछ लें ऑनेस्टली। भाई डज एनीवन नो व्हाट स्पेशल थिंग यू कैन डू विद पोकेमॉन दैट हैव रिबन्स और मार्क्स? यू कैन चेंज देयर टाइटल आई गेस यू कैन चेंज द टाइटल। ओके या ओके, तुक्का लगाना काम कर गया भाई। सर मेरे से और मत क्वेश्चन पूछना, मैं इंटेलिजेंट हूँ ठीक है, समझ जाओ आप यही, किसी और से पूछो बोंदू बच्चे से। चलो आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर दी आर्ट क्लास। अब भाई इसका सीधा फाइनल होना चाहिए, या आर्ट फाइनल, फाइनली भाई खत्म होगी बेकार सी क्लास। इसके आधे आंसर मेरे गलत निकलने वाले हैं, पर मेरे को बस पास होना है भाई किसी भी तरीके से, मेरे को बस पास होने की पड़ी है अभी। ओके व्हाट इज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट ब्ला ब्ला, ऑफकोर्स ट्रेजर ट्रूव है इसका आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ वैसी सिग्नेचर ब्ला ब्ला, सेंसिटिव सनफ्लोरा नहीं सरेंडरिंग सनफ्लोरा। हाउ मेनी वाटरफॉल्स आर काउंटेड अमंग द 10 साइट्स? आई थिंक 2 ही थी या। वॉट कैन यू फाइंड द मिलियन, वेयर कैन यू फाइंड द मिलियन वोल्ट स्काई लाइन? ये क्या है भाई, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने सुना नहीं था सही से। ये यार इसका आंसर सही देना पड़ेगा क्योंकि हमें 4 सही चाहिए आउट ऑफ 5 टू लाइक गेट अ पासिंग मार्क। मेडाली में तो नहीं होना चाहिए, मिलियन वोल्ट स्काई लाइन क्या चीज़ है? लिविंसिया हो सकता है, काबो पोको नहीं हो सकता शायद, काबो पोको मेरे को याद भी नहीं कौन सी जगह, मैं लिविंसिया कर रहा हूँ क्योंकि वहीं पे मतलब इलेक्ट्रिक टाइप जिम है तो वहीं पे हो सकता है। द मार्क्स दैट अ पोकेमॉन हैज आर प्रेजेंट वेयर यू मी फर्स्ट मीट एंड नन कैन बी एडेड लेटर। क्या अच्छा मार्क्स, अच्छा ओके 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 ओके, नहीं यार ऐड कर सकते हैं लेटर, मार्क मिलता है ना। ये इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए क्योंकि मैं अभी पैल्डिया का चैंपियन बना था तो मेरी सारी जितनी पोकन जिनसे मैंने हराया था उनको पैल्डिया का चैंपियन वाला मार्क मिला था, तो इट कैन बी एडेड लेटर फॉर श्योर। और आई थिंक यही नहीं, 2-3 तरीके होते हैं जिससे तुम अलग अलग मार्क्स पा सकते हो। बट ओके लेट्स सी इफ वी गॉट अ पासिंग स्कोर। डिड वी? ओ डैम ओके, 2-3 तो तुक्के लगाए मैंने सही बताऊं तो 2-3 तुक्के लगाए मैंने, थैंक यू गर्ल। ओके लेट्स हेड ऑन टू फाइंड सम स्टेक्स राइट नाउ बिकॉज ये क्लासेस से थोड़ा मेरे को ब्रेक लेना है भाई, ये आर्ट क्लास है मेरा दिमाग खराब कर दिया है। लेट्स जस्ट सी इफ यू कैन फाइंड सम स्टेक्स। तो यार इस एरिया में तो मैंने पूरा देख लिया है, मेरे को पक्के से पता है मैंने पूरा छान लिया है इस एरिया को, पर हो सकता है फिर भी छूट गए हों। पर यार आयरन से मुझे काफ़ी मिल गए थे, अब मुझे पता नहीं कहाँ पर हो सकते हैं। और तो आई विल स्टार्ट माई सर्च फ्रॉम समवेयर अराउंड हियर, और यहाँ से फिर हम थोड़ा घूम घूम के जाएंगे और देखेंगे क्या मिलता है। ओके वेल दैट वॉज कन्वीनियंट, मैं वहाँ पे आइस बायोम में जाने की सोच रहा था, पर चलो ठीक है हमें एक यहाँ पे ही मिल गया। यार ये लास्ट हो सकता है फिर तो, आइस बायोम में शायद दूसरी शाइन के लिए होंगे स्टेक्स। लेट्स जस्ट होप दिस इज द लास्ट वन मैन, एंड ओह इट इज़ नॉट द लास्ट वन। यार ये वाला एरिया मैं कम से कम आधे घंटे से पूरा छान मार रहा हूँ, इसमें मुझे एक भी नहीं मिला है। पर ऑफकोर्स यार मैं इतना डिटेल में तो नहीं देख सकता हूँ, पर यार मैंने ये पानी वाला एरिया तो पूरा छान मार लिया है, बट आई थिंक लाइक आइस बायोम में छूट गया होगा कुछ, छूटा होगा तो ज़रा मैं वहाँ पर जाके बस चेक करने वाला हूँ एक बार।
ओके आई विल कम ऑफ क्लीन डूड। मैंने यार इसका गूगल पे सर्च किया कैसे ढूंढना है, मैं अभी 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ और मैं इस पर और टाइम बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। और गूगल के हिसाब से यार यहाँ पे मिलना चाहिए, और यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, पता है यहाँ पे आया हूँ मैं, पर मुझे दिखा नहीं था। तो अब पता नहीं कि यार यहाँ पे आया हूँ तो पोकेबॉल कैसे नहीं पड़ी। आई थिंक मैं, मेरे को लग रहा है कि मैं आया हूँ पर शायद ना आया हूँ। बट यार गूगल के हिसाब से कुछ इधर ही होना चाहिए, थोड़ा मतलब एंडिश टाइप की जगह में होगा। ओके कहीं इधर ही होना चाहिए भाई, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। नीचे जाना पड़ेगा क्या यार? उधर होगा आई थिंक, एकदम चोटी पे होगा उसके। कम ऑन मैन, वेयर इज इट, गिव मी इट बॉय। वो यहाँ पे स्पिरिट रूम मिलता है। ओके लाइक स्पिरिट रूम एक और जगह मिलता है, मैंने वहां से लिया था, पर यहाँ पे भी मिलता है। गुड टू नो मन। यार दिख तो यहाँ पर आ नहीं है यार, क्या करूँ मैं? हेलो गिमी गोल, व्हाट्स अप ब्रो? फिर से देखना पड़ेगा क्या? ओह यहाँ पे केव है वैसे, एक वी कैन चेक दैट आउट। एक सेकेंड, ओ ये रहा ये रहा। वाह भाई, केव ढूंढने के चक्कर में ही हमें मिल गया, बहुत ही बढ़िया। एक सेकेंड भाई, टिक जाए यार थोड़ा सा। ओके देयर वी गो, दिस शुड बी द लास्ट वन। वैसे तो शुड बी क्या, लास्ट ही है ये, क्योंकि एक ही चेन बची है बस, और हमने ऑलरेडी एक स्टेक ले लिया आज तो। या दिस इज द लास्ट वन एंड ओके चलो ये भी हो जाएगा हमारा। पर केव में क्या है भैया जी, ऐसा क्या है केव में, हम ही बताओ जरा। अरे केव कुछ नहीं, रोटेशन है बस। वाह भाई उल्लू बना दिया, अच्छा वाला तुमने तो। चलो जी जरा ग्राउंड ब्लाइट श्राइन में चलते हैं और देखें जरा क्या निकलता है। वैसे तो यार वेसल वाला पोकर निकलने वाला है आई एम प्रेटी श्योर, और उसको मैंने आई थिंक देख भी लिया है। मैंने एक मैक्स रेट बैटल करी थी, उसमें यार आई थिंक कोई लेके आया था वेसल वाला पोकेमॉन, तो दिस इज ऑलरेडी बीन स्पॉइल्ड फॉर मी काइंड ऑफ। तो यार क्या करें, हो गया तो हो गया, पर पकड़ना तो है ही ब्रो। आई थिंक वैसे नई टीम में अपनी ये रखने वाला हूँ, मैंने इसमें से टिकल को निकाल दिया है, तो हमारे पास फेरी स्टील नहीं है, पर उसकी जगह पे हमें एक अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल गया। एक तो ये है आयरन वेलियंट, जो कि फेरी और फाइटिंग है, इसके आई थिंक अच्छे स्टैट्स हैं, और एक है किंग गैम्बिट जो कि डार्क और स्टील है। तो दोनों चीज़ें भाई हमारी सही हो गई हैं, और यार किंग गैम्बिट बहुत ही ओपी है सही में, मैंने इसको बहुत मतलब ग्रेट बैटल्स में यूज़ किया है एंड ही इज़ एब्सोल्यूटली अमेजिंग मैन। ओके एंड विद दैट लेट्स गो एंड सी, क्या वही निकलता है जो कि मैंने देख रखा है पोकेमॉन? आई थिंक वही है। ओ या, हेलो बडी बॉय। इसका पर क्रैक्ड है ये वेसल। ओके ये मैंने नोटिस नहीं किया था पहले। टिंग लू, वेसल ऑफ रूइन, डैमसन, फॉल स्वाइप खाओ आप एक आराम से और पकड़ में आ जाओ जी। अरे अभी तो बहुत फॉल स्वाइप खानी है इसको, अभी तो बहुत फॉल स्वाइप खाएगा ये पहले। रुइनिशन यार, ये तो इन इन चारों का ही मतलब आई थिंक सिग्नेचर मूव है ये तो। यार सिग्नेचर मूव से आता है, मैंने अपने अभी तक डेक्सटर को सिग्नेचर मूव नहीं सिखाया उसका। शिट यार सिखाऊंगा भाई, सिखाऊंगा, आज ही सिखाता हूँ मैं, चिंता मत करो तुम। मुझे पिछले एपिसोड में कॉमेंट आया था कि भाई सिग्नेचर मूव सिखा दे अपने पोकेमॉन को, पर मैं सिखाना भूल जा रहा था भाई, सॉरी मैन, सिखाता हूँ आज सिखाता हूँ मैं। ओके ऑलरेडी काफ़ी टर्न्स हो चुके हैं, जस्ट ट्राई टाइमर बॉल मैन। वैसे ही इसमें पकड़ में आने तो अभी से क्यों ना फेंकना जाए, देखें जरा। ओ डोंट टेल मी पकड़ में आ जाएगा ये। ओ ओके आई एम काइंड ऑफ ग्लैड, आई एम काइंड ऑफ ग्लैड नहीं आया भाई। चलो भाई अल्ट्रा बॉल ट्राई कर लेते हैं, तुम बोल रहे हो तो, वैसे तो हम नहीं करते तुम पे, बर्बाद कराते हो तुम अल्ट्रा बॉल यार। देखो मैंने बोला ही था। अरे ये झूठ लग रहा है भाई मेरे को, ये झूठ लग रहा है भाई मेरे को, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, 2 सेकंड में कैसे पकड़ में आ गया भाई ये, इसने मेरे को परेशान कैसे नहीं किया आज। चलो खैर बढ़िया है भाई, पकड़ में आ गया जल्दी, मुझे क्या। इसके बाद भाई बस एक ही बचा हुआ है, पर उससे पहले यार मैं ज़रा लैंग्वेजेस वाली क्लास भी कर लेता हूँ, और उससे भी पहले इसको सिग्नेचर मूव सिखा देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फिर से भूल जाऊँ भाई। चेंज मूव्स करते हैं, रिमेंबर अ मूव करते हैं। क्या था अब इसका, आर्मर कैनन था क्या मूव? द यूजर शूट्स इट्स आर्मर आउट एज अ ब्लेजिंग प्रोजेक्टाइल, दिस ऑल्सो लोअर्स यूजर्स डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस स्टैट्स। अच्छा आई थिंक तुम इसी की बात कर रहे हो भाई, यही होना चाहिए। किसकी जगह सिखाऊं भाई इसको मैं, फायर ब्लास्ट तो नहीं यार, फ्लेम चार्ज की जगह सिखा सकता हूँ क्या? अब वैसे भी गेम तो खत्म हो ही रहा है भाई, फ्लेम चार्ज को हटाओ फिर और क्या। अब कर रहे हैं तो कर ही देते हैं भाई और क्या। इसको मैं ज़रा ट्राई करके भी देखता हूँ, और पता है क्या हमारे पास एक वो भी पड़ा हुआ है,
हमारे पास सेरुलेज भी पड़ा हुआ है, हम लोगों ने ट्रेड किया था तो उससे मुझे सेरुलेज मिला था। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, FFG ने अपने वाला सेरुलेज दिया था भाई मुझे। इसको ज़रा मैं टीम पर रख के देखता हूँ कैसा है भाई। दिखता तो यार बहुत ओपी है यार, मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को लाते हुए देखा है पर अभी तक मैंने इन पर्सन मतलब पास से नहीं देखा है इसको कभी भी। तो आज भाई मौका आ चुका है, देखें भाई जरा इसको ताकें अपन। अरे अरे लड़के, अरे अरे रुक जा भाई रुक जा, अरे नहीं तू सात फेरे ले ले मेरे अराउंड तू। अरे भाई तू चलने ही नहीं देता मेरे को। ये देखो ये देखो, वेट अ सेकंड, व्हाट द हेल वाज दैट, पता नहीं भाई। यार एक सेकंड, एक काम करना पड़ेगा हमें, पिकनिक अगर हम लगा सके ना तो वो लगाते हैं, उसमें थोड़ा सही से पता चल पाएगा। ये सेरुलेज को थोड़ा निलाना पड़ेगा पहले हमें, ये FFG के यहाँ से आए ये, इसको थोड़ा अपन निलाएंगे भाई पहले, गंदा कर देते हैं भाई FFG अपनी शायरियों से इनको। ओ भाई क्या लगता है यार ये, क्या लगता है भाई ये, डैम यार। ओए तू क्यों आ गई बे, तेरे को भी नहाना है क्या। ये ले भाई ये साबुन भी, देखो मसल रहा है वो। अरे इसको इरीटेटिंग लग रहा है, इसको इरीटेटिंग लग रहा है, यहाँ पे करता हूँ मैं इसके सिर पे। हो इरीटेट हो, इरीटेट हो भाई, ऐसा लग रहा है इसको ज़्यादा इरीटेट करूँगा ना मैं तो भाई मेरे को ही मार डालेगा ये जान से। सो यार इट्स बेटर इफ यू डोंट मैन। डिज़ाइन यार बहुत ही प्यारा है भाई इसका यार, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, इट हैज़ अ परफेक्ट मैच, काफ़ी अच्छा है। और लगे हाँ तो भाई ज़रा कर रहे हैं तो ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। अरे जोरोवार का ये, वाह भाई हेराक्रॉस बन के घूम रहा है। इसका ये आर्मर वाला मूव भी भाई ट्राई कर लेते हैं, आर्मर कैनन क्या है भाई ये। अरे 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 दैट वाज अ कामेहामेहा ब्लास्ट मैन, ये क्या था भाई। डैम यार आई वाज मिसिंग आउट मैन, आई वाज मिसिंग आउट ऑन दिस। डैम डूड इसकी पावर कितनी है भाई, इसकी पावर है 120। डैम डूड मतलब डिफेंस और स्पेशल डिफेंस कम होता है पर यू नो व्हाट, अगर एक हिट हो रहा है कोई बंदा तो फिर क्या बुरी बात है ना, काफ़ी सही है भाई ये तो। चलो भैया जी बैक टू दी एकेडमी, लैंग्वेज क्लास लेते हैं ज़रा। उससे पहले ज़रा मैं इससे बात कर लेता हूँ, वी हैव कॉट वन मोर श्राइन लेजेंडरी तो इसका कुछ होगा बोलने को। ओ यू कॉट टिंग लू द वेसल ऑफ रूइन, आई डेड गर्ल, ओ हाउ इंटरेस्टिंग, आई सिंपली कैन नॉट कीप माई क्यूरियोसिटी अंडर कंट्रोल। जजिंग बाई इट्स शेप एंड साइज दिस वेसल वॉज ऑलमोस्ट सर्टनली नॉट फॉर एवरीडे यूज, परहैप्स इट वॉज अ वर्क ऑफ आर्ट, हो सकता है। आई डोंट थिंक ये मतलब भाग खाने वाला वेसल था, ये उसे आर्ट ही था। कुड इट बी दैट दिस आर्टिफैक्ट वॉज फैशन आफ्टर द डीटी वेरी अपीयरेंस, दिस मिस्ट्री ग्रोज इवन डीपर। चलो जी और मिलेगा तो आपको बताऊंगा मैं, खड़ी रहो आप यहीं पे, क्लासेस मत लेना बस, आप यहाँ पे मस्ती करती रहो, आप बच्चे बेचारे भुगत रहे हैं। ये क्या सिखा रहे हैं भाई ये क्लास में, ये आई लव यू बोलना सिखा रहे हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और बता रहे हैं ऑफकोर्स सही टाइम होना चाहिए बोलने का, दैट इज़ वेरी ट्रू। एंड ये बता रहे हैं अगर कभी मियाँ बीवी में लड़ाई हो तो बस आई लव यू बोल दो और सब अपॉलोजी आ जाती है दोनों तरफ से, यही सिखा दो तुम बच्चों को हैं है? बोला मैं भी अपनी वाइफ के साथ यही करता हूँ, बहुत ही बढ़िया भाई अच्छी बात है। तूने बताया तो है नहीं भाई क्या बोलते हैं आई लव यू को, पर ये तो ये क्या क्लास थी भाई, बता तो देता कम से कम, कभी काम आए किसी को बोलने का, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि है कोई भाई, ओके नेवर माइंड, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ भाई मैं यार, तुम भी मतलब ऐसा ओके। मिड टर्म्स का टाइम आ चुका है भाई, लेट्स फॉरगेट व्हाट आई सेड, मिड टर्म्स मैं तो भाई फेल होने वाला हूँ मिड टर्म में, मैं को सुन ही नहीं रहा इनकी बात भाई। मेरे को एक ही चीज़ पता है, इन्होंने डिलीशियस सिखाया था, इन्होंने थैंक यू सिखाया था, और इन्होंने आई लव यू का मेरे को बता ही नहीं क्या होता है। आई गेस ही डजंट लव अस, गंदे सर। ओके देखते हैं भाई क्या आया है मिड टर्म में, ग्रासियास ये सब होता है थैंक यू का, डिलीशियस का होता है डेलीशियोक्स, क्योंकि वही मेरे को सबसे ज़्यादा सिमिलर लग रहा है। विच ऑफ दिस रेसेस डजंट बिलोंग, टाइम टू ईट TMO, ये तो TMO तो होता है जट में, ये तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ भाई। लिच लीबे डिच, ये तो गाली दे रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो मैं ये करने वाला हूँ, लीचड़ कहीं का ऐसा गाली लग रही थी वो, सॉरी भाई मैं अलग ही कम्युनिकेशन क्लासेस चला रहा हूँ अपनी, सॉरी मन। व्हेन स्पीकिंग विद अ पर्सन व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्मूथ कॉन्वर्जेशन, कॉम्प्लीमेंट देम, या कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए भाई उनको। व्हाट इज़ अ बिलोवेड टीचर्स नेम, ओह नो मैंने बोला था मैं याद ही नहीं रखूँगा यार, इवन नहीं पता था क्वेश्चन में डाल देंगे इसको, क्या बकवास है ये भाई, ये बकवास है भाई, मेरे को अब गूगल करना पड़ेगा।
मैं तो मैथ वाले सर इंग्लिश वाली मैम ये बुलाता था भाई स्कूल में। कभी मेरे को कोई पूछता था तुम्हारी क्लास टीचर कौन है, तो मैं बोलता था मैथ वाली मैम है। मेरे को थोड़ा पता रहता था भाई, वही सिचुएशन यहाँ पे हो गई भाई। गूगल गूगल कम ऑन, चलो यहाँ पे तो फिर भी गूगल है भाई, हरामी दोस्तों से पूछो उनको तो और नहीं आता है, उनको और नहीं पता होता है भाई। फिर मैं ही फंसता हूँ। इनका नाम है सालत क्या जो भी है भाई, तीसरा वाला जो भी है। ओके आई थिंक हमें 5 में से 5 मिलने चाहिए, एक हो सकता है मेरा गलत हो, वो जो लीचड़ वाला जो था पता नहीं कहीं वही रह गया मेरे दिमाग में, पर हाँ जो वाला था आई थिंक वो गलत हो सकता है मेरा, पर उसके अलावा तो आई थिंक 4 तो मिल ही जाने चाहिए हमें। लेट्स सी एंड 4 out of 5 ये आई थिंक वो गलत हो गया मेरा, पक्के से वो गलत हो गया मेरा। ओए असिस्टेंट ले आई तो पिकाचू को, अब क्या पिकाचू से कम्युनिकेट करना सिखाने वाले की ये? वैसे पिकाचू को दिखाना नहीं चाहता तुम्हें यार, मुझे अब ये याद आ गया कि ऐश और पिकाचू छोड़ के जा रहे हैं ब्रो, ये तुमने अच्छा नहीं किया ब्रो हमारे साथ। व्हाट इमोशन डू यू सपोज पिकाचू वाज ट्राइंग टू कन्वे जस्ट नाउ? फिर से बोलियो पिकाचू जरा, इसको तो मजे आ रहे हैं ब्रो, मजे में है ये तो, हैप्पीनेस। सॉरी रिक्स दैट्स नॉट राइट, स्पोकन लैंग्वेज इज हार्ड इजंट इट? अच्छा तेरे को बड़ा पता है क्या बोलना चाह रहे हैं वो है? इट्स यूजिंग इट्स एंग्री वॉइस, कुछ भी बोल रहा है मतलब कुछ भी। कब जोगा उसको फिर? हाँ ओके क्लैपिंग क्लैपिंग भी चल रही है भाई, मेरे लिए चल रही है, थैंक यू भाई। हाँ मैं कब्स वगैरह की बातें करता रहता हूँ भाई, थैंक यू। भी आज क्या एपिसोड बन रहा है भाई, आई थिंक लास्ट डे है ना इसलिए मैं कुछ भी बक रहा हूँ, सॉरी गाइस, ऐसा होता है मेरे साथ। गेम के आखिरी दिन मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ और मैं कुछ भी बकना चालू कर देता हूँ। ओके इट्स टाइम फॉर द लैंग्वेज फाइनल्स, जिसमें मैं डेफिनेटली फेल होने वाला हूँ, सो या लेट्स गेट रेडी फॉर दैट, क्योंकि मैंने नहीं सुना है भाई कुछ भी। और पिकाचू वाले जो आंसर्स हैं वो तो मेरे से होने नहीं वाले, अगर पिकाचू लेके आए ये लोग हमसे ना हो पाना भैया, वो मेरे से नहीं हो सकता है। ले आए भाई पिकाचू, शिट यार मैं हार जाऊँगा, मैं बहुत गंदा हारने वाला हूँ भाई। ठीक है भाई, आधी चीज़ें तूने बोली मेरे को समझ में नहीं आ रही हैं अभी, तो मैं बस एग्ज़ाम चालू कर रहा हूँ। डिलीशियस भाई ये सबसे ईजी आंसर है, इसको मैं कर देता हूँ। What do these two foreign phrases mean? जित में each live, वैसे देखा जाए तो each live this थोड़ा I love you type का लग तो रहा है, मैंने इसको पिछले लीचड़ बोल दिया था पर आई थिंक I love you हो सकता है ये। I'm going home तो नहीं हो सकता यार, और time to eat भी नहीं है, तो I think ये है, I think so। Oh, dude मैं सुना ही नहीं सही से क्या किया उसने, बट आई थिंक एंगर है, आई थिंक ये मैंने एंगर के टाइम पे ही सुना था, तो मैं कर देता हूँ। चलो भाई इतनी जल्दी कौन करता है भाई, हैप्पीनेस श्योर मैन, आई विल जस्ट टेक अ गेस। व्हाट इज योर बिलोवेड टीचर्स नेम? ये तो मैं जानबूझ के गलत करूँगा, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं फेल हो जाऊँ तो भी। लैब्राडोर है इसका नाम, हट हट पागल सा, मेरे गलत निकलने वाले भाई इसमें, आई थिंक मेरे 3 गलत हैं, मेरे पास 2 ही आंसर सही होंगे, एक तो मैंने जानबूझ के गलत किया ही है पर बाकी आई थिंक गलत होने वाले हैं। ओके मतलब बाकी आंसर सही थे मेरे, वाह भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, ठीक है पासिंग मार्क्स ही चाहिए थे मुझे इसमें, बस बहुत है भाई मेरे लिए तो इतना ही। हम लोग अगले एपिसोड में जाने वाले हैं और पकड़ने वाले हैं हमारे लास्ट लेजेंडरी पोकेमोन को टू फिल अप आवर पोकेडेक्स, और हमें मिल जाएगा उससे शाइनी चार्म, एंड मे बी वील ट्राई टू यू नो फाइंड सम शाइनीज एज वेल इन द नेक्स्ट एपिसोड। मेरे पास एक्चुअली काफ़ी हर्ब्स बची हैं भाई, अभी मैंने इतनी सारी अभी ये किए ना मैक्स रेट्स, तो मुझे काफ़ी हर्ब्स मिली हैं, मेरे पास पड़ी हैं टोटल 5, 9, 11, 12 हर्ब्स पड़ी हैं मेरे पास टोटल, विच इज़ मोर देन इनफ मैन। हम लोग कुछ ना कुछ पोकन तो पकड़ ही सकते हैं इससे। मुझे यार वैसे तो एक तो चार्किट का चाहिए मुझे शाइनी वापस से, जिससे मैं एक शाइनी सेरुलेज ले पाऊँ, और मुझे क्या चाहिए भाई, अच्छा और हाँ मुझे एक रोरिंग मून चाहिए, तुम लोगों ने भाई खास रिक्वेस्ट की थी उसके लिए, तो ये सब हम लोग जरूर से पकड़ेंगे। बट फॉर नाउ गाइस दैट इज इट, आई होप यू गाइस एंजॉयड, मज़ा तो भाई लाइक मारना, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड ये क्या चल रहा है भाई, ये कुछ तो चल रहा था पहले, पीस आउट।